ये भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया, तो नतीजे भी बेहतरीन आए। आज अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देश के दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे, तो जनता में भी ओनरशिप का भाव, उसकी भावना और अधिक मजबूत होगी और जनता जनार्दन किसी भी योजना की ओनरशिप ले लेती है तो अभूतपूर्व नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है। आप स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए, अमृत सरोवर अभियान देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए। इनकी सफलता का बड़ा आधार जनता द्वारा ली गई ओनरशिप है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप अपने जिले की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट विजन एट 100 तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही विजन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य में हमें किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से बदलाव करने हैं, हमारे जिले, ब्लॉक या पंचायत में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उस स्तर तक ले जा सकते हैं, इनको लेकर एक स्पष्ट विजन हमारे पास होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों के बीच कड़ियों को जोड़ सकते हैं। आप सभी के लिए लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं कि ये समय की मांग है। साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों,
बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है, ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं, मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशन को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। साथियों, विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्यकाल माना है। आजादी की शताब्दी देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आजादी के 100 साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो। आप गर्व से यह कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्थाओं के सृजन में भूमिका निभाई है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देते रहेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हर पल हमारी कोशिश रहनी चाहिए, खुद के लिए भी, साथियों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। हमें उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को पार करने की स्थितियों को प्राप्त करता ही रहना होगा। मुझे विश्वास है कि सिविल सर्विस डे ये वार्षिक रिचुअल नहीं है, ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है, निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Prime Minister Modi there addressing civil servants on the occasion of the Civil Service Day, telling them that it is a positive outlook which is now required for nation building. This event is happening in Delhi's Vigyan Bhavan.